नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कंपटीशन क्लासेस रीड की तैयारी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप अगर रीड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। आपके सामाजिक विज्ञान वाला जो आपका सिलेबस है, उसमें पहला टॉपिक है बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है और सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक है और पश्चिम में सुतकागेडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता के काल की बात करें, तो 2300 से लेकर 1750 का जो काल माना जाता है बच्चों, वो किसका माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने जिस स्थल को खोजा, उस स्थल का नाम है बच्चों हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। बच्चों, रीड वाले बच्चे मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है और रावी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। रावी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो स्थल है, आज पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1920 और 21 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। इन दोनों ने हड़प्पा स्थल को खोजा। सबसे पहले इस स्थल को खोजे जाने के कारण इस स्थल को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार के नाम से भी इस स्थल को जाना जाता है। उसके बाद है काले पत्थर से निर्मित नर्तक की यहाँ पर क्या मिली है बच्चों? मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि ये लोग जो है नृत्य कला में, संगीत में लोग रुचि लिया करते थे, ये इस बात से पता चलता है। तो काले पत्थर से निर्मित नर्तक की क्या मिली है बच्चों? मूर्ति मिली है। उसके बाद आता है ताम्र निर्मित पैमाना मिला है। पर तांबे से निर्मित नापने का पैमाना जो है वो यहाँ पर मिला है। उसके बाद मनकों का हार मिला है यहाँ पर। ताम्र निर्मित बैलगाड़ियों के नमूने मिले हैं। परिवहन के साधन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ियों का यूज करते थे, इसका प्रमाण हमें हड़प्पा और बनावाली से मिलता है। एक बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बनवाली से मिलता है। और बनवाली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो ताम्र निर्मित बैलगाड़ियों के नमूने जो है वो भी कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा में देखने को मिले थे। उसके बाद श्रमिकों के आवास।
श्रमिकों के आवास अलग जगह पर हुआ करते थे, ये उनके नगर नियोजन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, धातु गलाने की भट्टियां मिली है, अन्न कूटने के चबूतरे मिले हैं। कहां पर? हड़प्पा नामक स्थान पर श्रमिकों का आवास, धातु गलाने की भट्टियां और अन्न कूटने के चबूतरे मिले हैं। ये सारी चीजें हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है। क्या क्या ध्यान रखना बच्चों, नर्तक की मूर्ति आ जाए तो हड़प्पा करना है और नर्तकी की मूर्ति आ जाए तो मोहनजोदड़ो करना है। कई बार रीट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्य करते हुए इसका नर्तक की मूर्ति का जो कांस्य प्रतिमा मिली है वो सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुई है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, हड़प्पा से कांस्य निर्मित नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। श्रमिकों का आवास, तांबा, ये जो है आपका अन्न कूटने के चबूतरे, धातु गलाने की भट्टियां, मनकों का हार, बैलगाड़ी के अवशेष, ये सब हमें बच्चों हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो आपकी स्थल है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंकाल मिले हैं, लोगों के मरे हुए कंकाल मिले हैं। उससे साबित होता है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ था। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो स्थल को खोजा गया था। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है वो देखिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है बच्चों कौन? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के जितने भी केंद्र हमें देखने को मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ पर सबसे बड़ा जो नमूना मिला है बच्चों वो है स्नानागार। स्नानागार का जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है और उसी से हम साबित कर पाते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके अलावा कुषाण युगीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं, कांस्य प्रतिमा मिली है जिसमें नर्तकी के द्वारा डांस करते हुए उसमें दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है बच्चों, कांस्य नर्तकी की मूर्ति पूछ ले तो मोहनजोदड़ो करना है और कांस्य नर्तक पूछ ले तो हड़प्पा करना है। इसके बाद शिल्पियों द्वारा निर्मित पैमाना मिला है, शिलाजीत मिला है और कई प्रकार के जो है खिलौने जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं और सबसे बड़ा प्रमाण है स्नानागार का नमूना जो है, सभासद का जो नमूना है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है और सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है कौन? मोहनजोदड़ो। तीसरा स्थल है बच्चों आपके सामने कालीबंगा। कालीबंगा बच्चों जिसका हमारे साथ लिंक है क्योंकि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता का विकास बच्चों घग्गर नदी के किनारे हुआ। कौन सी नदी के किनारे हुआ? घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात करें बच्चों हम तो घग्गर नदी जो है वो राजस्थान में आंतरिक अपवाह वाली नदियों में से आती है जो भारत राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और कई बार घग्गर नदी के कारण आपके राजस्थान का जो प्राचीनतम दुर्ग है बटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है बच्चों, उस बटनेर के दुर्ग में कई बार बाढ़ की समस्या भी पैदा हो जाती है। किस नदी के कारण? आपकी घग्गर नदी के कारण। तो घग्गर नदी के आसपास का जो इलाका है वहां पर जिस सभ्यता का विकास
सिंधु सभ्यता काल में हुआ था, उस सभ्यता का नाम है बच्चों कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर अवशेषों में हमें काले रंग की चूड़ियां मिली है और इसीलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा के नाम से रखा गया बच्चों। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद 1951 से 53 के बीच में अमलानंद घोष के द्वारा इसका खोज की गई, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य करवाया, बाकी इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष साहब। यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें मिलती है बच्चों, तो जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि कृषि में हलों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा अलंकृत फर्श के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, अलंकृत फर्श, जुता हुआ खेत, मिट्टी के मनके और लकड़ी से निर्मित नालियां कैसी मिली है बच्चों, लकड़ी से निर्मित यहाँ पर क्या मिली है, नालियां मिली है, कहाँ पर, कालीबंगा से। इसके अलावा वृषभ की जो है वो क्या मिली है, यहाँ से मूर्ति मिली है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो है वो हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को चिकित्सीय ज्ञान भी था। इसके अलावा पशु बलि के प्रमाण भी हमें कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पशुओं की भी बलि दी जाती थी। तो आपने देखा कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जिसका विकास हुआ, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अपवा वाली नदियों से निकलती है, पंजाब की कालका पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान में आती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ से गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। घग्गर नदी के कारण राजस्थान के प्राचीनतम दुर्ग बटनेर के दुर्ग में भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो इसी सभ्यता का विकास घग्गर नदी के किनारे हुआ और इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष साहब। यहाँ पर जुते हुए खेत, अलंकृत फर्श, मिट्टी के मनके, लकड़ी से निर्मित नालियां, वृषभ की आकृति, शल्य चिकित्सा के प्रमाण और पशु बलि के अवशेष जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर आता है बच्चों धोलावीरा। क्या आता है बच्चों, धोलावीरा। धोलावीरा की खोज करने वाले थे बिष्ट और धोलावीरा पड़ता है बच्चों गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ का जो क्षेत्र है, जहां पर आप इस कच्छ में ही आपके राजस्थान की कौन सी नदी गिरती है बच्चों, लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, वही लूनी नदी जो मारवाड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है, वही है आपकी ये लूनी नदी। आधी खारी आधी मीठी नदी भी कौन सी है, लूनी नदी है। और इसी लूनी नदी का पानी एंड में जहाँ जाता है वो है कच्छ की खाड़ी में, और इसी कच्छ की खाड़ी के आसपास वाला जो इलाका है यहाँ पर जिस सभ्यता का विकास हुआ बच्चों उसे ही बोलते हैं धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़े स्थल के रूप में धोलावीरा का नाम भी गिना जाता है। धोलावीरा गुजरात राज्य में पड़ता है और धोलावीरा में बच्चों जलाशय मिले हैं, 16 जलाशय मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है जल प्रबंधन भी किया करते थे, जल का संरक्षण भी किया करते थे। इस बात का प्रमाण हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है बच्चों, स्टेडियम का प्रमाण हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा से स्टेडियम का प्रमाण मिला है, धोलावीरा से 16 जलाशय मिले हैं जिससे हमें जल प्रबंधन का पता चलता है। इसके अलावा जो धोलावीरा था यहाँ पर जो
आपका जो स्थल था वो तीन खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में बच्चों? तीन खंडों में यहाँ पर विभाजित था, और तीनों खंडी कैसे थे? दुर्गीकृत थे। कैसे थे? दुर्गीकृत थे। दो दुर्गीकृत है और एक अदुर्गीकृत था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खंड हैं वो दो भागों में बटे हुए होते थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। लेकिन धोलावीरा तीन खंडों में विभाजित था। ये धोलावीरा की अलग से विशेषता है बच्चों। तो धोलावीरा स्टेडियम का प्रमाण, धोलावीरा जलाशयों का प्रमाण, धोलावीरा तीन खंडों में दुर्गों का विभाजन, ये सारी विशेषताएं हमें बच्चों धोलावीरा में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है बच्चों लोथल। सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी। उस समय भी बंदरगाहों के माध्यम से आयात, जल के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता था। इसका प्रमाण हमें लोथल से मिलता है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। किस सभ्यता का? लोथल सभ्यता का विकास भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में पाया जाता है। और भारत में निर्मित जितनी भी वस्तुएं थी उन सब का निर्यात लोथल के माध्यम से ही किया जाता था। क्यों? क्योंकि लोथल में हमें गोदीवाड़ा के अवशेष मिलते हैं। गोदीवाड़ा का मतलब यहाँ पर बच्चों बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से जो है आयात और निर्यात किया जाता था। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों में भी व्यापार किया करते थे। व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। तो व्यापार वाणिज्य होगा, वहाँ पर मोहरे भी मिलेगी। तो लोथल से कई ऐसी मोहरे भी हमें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से भी हमें सुमेरियन सभ्यता की मोहरे प्राप्त हुई है। उनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सुमेरियन लोगों से भी संपर्क था। उसके बाद आता है पक्की ईंटों के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। इसके अलावा आपको सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि सामान को लाने और ले जाने में लोथल में घोड़े का उपयोग किया जाता हो। तो एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं भारत में वो है आपका स्थल लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर गोदीवाड़ा, पक्की ईंटे और घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका कौन सा स्थल? लोथल। लोथल के बाद आता है बच्चों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पड़ता है बच्चों हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और राखीगढ़ी के बाद बताया जाता है कि राखीगढ़ी धोलावीरा के बाद में जो सबसे बड़ा अधिकतम या बड़ा स्थल के रूप में जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि धोलावीरा से भी बड़ा स्थल माना जाएगा आगे आने वाले समय में। वो किसके लिए माना जाता है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। उसके बाद आता है बच्चों चंदहुड़ो। चंदहुड़ो बच्चों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और चंदहुड़ो को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक नगरी के रूप में आपका चंदहुड़ो जाना जाता है। यहाँ पर आपको शाही की दवात का अवशेष, लिपस्टिक का अवशेष जो हमें मिलता है वो आपको चंदहुड़ो में देखने को मिलता है। और चंदहुड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखो बच्चों, आज आपने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पांच छह स्थलों के बारे में अध्ययन किया। और भी कई स्थल है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और रीट के अकॉर्डिंग मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इन स्थलों के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको चीजें क्लियर करवाई है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो मैंने बोर्ड पर आपको लिखवाया है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और आज आपको पूरे दिन में
जो टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। आप उनको लगातार सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी आगामी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो बच्चों, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और चंदगुड़ो के बारे में अध्ययन करवाया है। कल हम बच्चों रीट एग्जाम की तैयारी के आगामी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से कंपटीशन क्लासेस की तैयारी आपको करवाती रहूं, और राजनीति विज्ञान के जितने टॉपिक्स आपके रीट एग्जाम में आने वाले हैं उन सबको क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगामी वीडियो बनाऊँ और आपको रीट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवा सकूं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। धन्यवाद।